सब्सक्राइब कीजिए टेक बार को और ज्वाइन कर लो हमारी टेक गैंग को, हम क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। हेलो, मेरा नाम है संजय सर, आप देख रहे हैं टेक बार। यार जनरली जो है मेरे को आप में से काफी सारे लोग ईमेल करते हो और मेरे को डीएम करते हो इंस्टाग्राम पे ये पूछते हुए क्या मैं आईफोन पुराने वाला ले लूं, आईफोन 6 हो गया, आईफोन 6s हो गया, आईफोन 5s हो गया। और ये चीज मैंने खुद देखी कि आज के टाइम पे लोग आईफोन 5s या फिर अपना आईफोन 6 खरीदते हैं। तो आज मैं आपको एक एक करके सारे आईफोन के बारे में बताऊंगा और इनको आपस में थोड़ा थोड़ा कंपेयर करेंगे और लास्ट में एक पूरा कैमरा कंपेरिजन करेंगे क्योंकि कैमरे के लिए भी ये फोन खरीदते हैं लोग। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। चीयर्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि मेरे पास हमेशा एक आईफोन जरूर रहता है एज अ प्राइमरी डिवाइस जिसमें अपनी बैंक की एप्स डालता हूं क्योंकि बहुत सिक्योर होता है आईफोन। बट पता है क्या, लोग जो है पुराने आईफोन खरीद करना अपने आईफोन का एक्सपीरियंस बिल्कुल खराब कर लेते हैं। अब मैं आगे जाके वीडियो में हर एक चीज का प्रूफ दूंगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, बट ये बात बिल्कुल सच है। अगर आपको आईफोन लेना है तो आपको लेटेस्ट लेना चाहिए या फिर एक जनरेशन पीछे जानी चाहिए। बट लोग जो है आज के टाइम पे आईफोन 6 खरीद रहे हैं। ये फोन मैंने देखा Amazon पे 22,000 रुपए का बिक रहा था, 32GB वाला मॉडल। और ये एक फैक्ट है कि आईफोन 6 बहुत ज्यादा बिका तो है बट ये एप्पल के लिए सबसे बड़ा डिजास्टर था। इतनी सारी कंप्लेंट थी इस फोन में, हर एक चीज को लेकर ये फोन स्लो है। इनफैक्ट ये फोन ऐसे बैंड हो जाता अगर आप अपनी जेब में रखोगे बिना केस के, तो ये फोन ऐसे बैंड हो जाता था। इतनी सारी कंप्लेंट आई थी इस फोन को लेकर और आज के टाइम पे इंडिया ने फोन बिल्कुल चला दिया है। अब हर किसी के हाथ में मैं आईफोन 6 देख रहा हूं। मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि अगर आप आईफोन 6 खरीद रहे हो तो आप अपने एप्पल आईफोन का एक्सपीरियंस खराब कर रहे हो। मैं नहीं जानता कि इस एप्पल लोगों में ऐसा क्या है जो लोग खरीद रहे हैं। अब मैं मजाक नहीं कर रहा, मैंने आईफोन को लेकर ऐसी ऐसी बातें सुनी कि अगर आपके पास एक आईफोन है तो आपकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी या फिर आपको अगर अच्छे दोस्त बनाने हैं तो आपको आईफोन की जरूरत पड़ती है। इनफैक्ट मैंने ये तक सुना है कि अगर आपके पास एक आईफोन है तो सोसाइटी आपको एक अलग नजरिए से देखेगी। अगर आप भी सेम सोचते हो ना तो आप जिंदगी बहुत गलत तरीके से जी रहे हैं। चलो मैं टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव से बताता हूं अपना आईफोन 6 क्यों इतना बेकार है। अब मैं इन सारे फोनों को आपस में कंपेयर करके आपको दिखाता हूं। तो ये है आईफोन 5, थैंक गॉड इसे आज के टाइम पे कोई नहीं खरीदता। बट ये है आईफोन 5s और इसको बहुत लोग खरीदते हैं। ये दोनों बहुत सिमिलर है दिखने में और अपने आ जाते हैं आईफोन 6 के ऊपर और 6s। अब ये दोनों फोन आज के टाइम पे बहुत ज्यादा बिक रहे हैं, खासकर 6 बहुत ज्यादा बिक रहा है। अब इन दोनों फोन में सबसे बड़ा डिफरेंस है 3D टच का और थोड़ा सा कैमरा ज्यादा अच्छा है अपने आईफोन 6s का। फिर हमारा जाता है आईफोन 7 और 8 को कोई नहीं खरीदता था इसलिए मैंने यहां पर इसको इंक्लूड नहीं किया। और फिर हमारा आता है आईफोन 10 और ये बहुत पॉपुलर और बहुत ही कमाल का फोन है आज के टाइम के हिसाब से। आईफोन 6 वर्सेस आईफोन 7, दोनों फोन की रैम मैं क्लीन कर चुका हूं और फिर से गेम लोड करेंगे और देखते हैं कौन पहले लोड करता है। तो 1, 2, 3 ये देखते हैं कौन है। अब मेरे हिसाब से आईफोन 7 ही जीतना चाहिए, जैसा कि आपने देखा पहले लोड हो गया आईफोन 7 में। तो आईफोन 6 जो है बहुत ज़्यादा स्लो है आईफोन 6s से भी और 7 से भी। ये चीज़ ऑब्वियस है बट लोग नहीं समझ रहे। अब मैंने आईफोन 6 को बाकी आईफोन से इसलिए कंपेयर किया सिर्फ ये प्रूफ करने के लिए कि अगर आपको सच में आईफोन का एक्सपीरियंस चाहिए ना तो आपको क्या लेटेस्ट खरीदना पड़ेगा, फिर एक जनरेशन पीछे चले जाओ। ये नहीं कि आप इतना पुराना आईफोन खरीदोगे फिर ये सोचोगे कि आपको अच्छा आईफोन का एक्सपीरियंस मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा यार। इनफैक्ट आपको बाकी जो इसी प्राइस रेंज में आपको और फोन मिलते हैं एंड्रॉइड वाले उनसे भी बेकार एक्सपीरियंस इस फोन का है। अभी मे भी आपको यार ये लग रहा होगा कि एप्स जो थोड़ी सी लेट खुल रही है तो कौन सी बड़ी बात होगी, मैं थोड़ा सबर कर लूंगा। बट पता सच्चाई क्या है, जो लेटेस्ट iOS होती है ना वो लेटेस्ट आईफोन के लिए बनाई जाती है। ये जो पुराने आईफोन है ना इनको तो निपटा दिया जाता है ऐसे ही सॉफ्टवेयर अपडेट देकर, और ऊपर से सॉफ्टवेयर अपडेट देकर तो अपने पुराने आईफोन स्लो किए जाते हैं जिससे नए आईफोन सुपीरियर दिखे। और आजकल ना सबसे बड़ी गलती लोग ये कर रहे हैं कि अपना आईफोन 6 का 16GB वाला वेरिएंट खरीद लेते हैं और आपको ये नहीं पता होगा कि iOS की एक ऐप जो है एंड्रॉइड के मुकाबले बहुत ज्यादा हैवी होती है। अगर व्हाट्सएप एंड्रॉइड के लिए 9MB का है ना तो आईफोन के लिए 100MB का होगा, इतना ज्यादा फर्क होता है। अब मैं एक और बात को क्लियर करना चाहूंगा, काफी सारे लोगों को पता नहीं कहां से ये बात पता लगी है कि आईफोन हैंग नहीं होते। पता नहीं किसने बात फैलाई है और बिल्कुल भी सच नहीं यार, आईफोन हैंग होते हैं। इनफैक्ट जो पुराने आईफोन है ना वो तो इतने ज्यादा हैंग होते हैं कि आप इरिटेट हो जाओगे। मैं मानता हूँ कि लेटेस्ट आईफोन खरीदोगे तो वो एक साल तक बहुत अच्छा चलेगा, बिल्कुल स्मूथ एक्सपीरियंस देगा, बट जैसे ही वो एक साल पुराना हो जाएगा ना तो वो भी बहुत ज्यादा हैंग होगा और इतने सारे एरर और लैग देखने को मिलेंगे, आप लिटरली इरिटेट हो जाओगे। और सेम केस है अपने आईफोन 6s का, आज के टाइम पे फोन इतना ज्यादा लैग करता है और इतना हीट करता है कि आप लोगों को मैं क्या बताऊं। चलो बात करते हैं अपने आईफोन 6s के बारे में। अब ये फोन हमें 33,000 रुपए का मिलता है, 32GB मॉडल, और ये फोन भी बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी नहीं है। अगर मैं इसको कंपेयर करूं अपने Zenfone 5Z से या फिर OnePlus 6 से तो इसका कैमरा परफॉर्मेंस
टू जेड चीज इतनी घटिया है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। और अगर मैं आईफोन 10 को छोड़ दूं और बात करूं बाकी सारे पुराने आईफोन की, तो आपको उनमें पोर्ट्रेट मोड नहीं देखने को मिलता। और आज के टाइम पे हर एक फोन में पोर्ट्रेट मोड अवेलेबल है। सस्ते सस्ता फोन उठा लो उसमें भी मिल जाता है। आज के टाइम में 10,000 रुपये में रेडमी वाई 2 भी आपको पोर्ट्रेट मोड देता है, बट इन फोन में आपको नहीं मिलता। तो 2018 में आप क्या क्या मिस कर रहे हो आप आइडिया भी नहीं लगा सकते। अब 33,000 रुपये में आपको पोर्ट्रेट मोड मिलता, ना फास्ट चार्जिंग मिलती और ना ही बड़ी डिस्प्ले मिलती, जो कि 2018 में आज के टाइम पे हर एक फोन में आपको देखने को मिल जाती है। इनफैक्ट रेडमी नोट 5 प्रो में मिल जाता है, जो 15,000 रुपये का आता है। अब इसमें नहीं है, आप यहीं से आइडिया लगा सकते हैं कितना पुराना हो चुका है ये फोन भी। चलो अब सारे आईफोन के कैमरे को कंपेयर करते हैं। मैं इसमें 5S को भी इंक्लूड कर रहा हूँ। जैसे कि आप खुद देख सकते हैं, मेरे को तो आईफोन 6S और 7 की क्वालिटी बिल्कुल सेम लग रही है, बट हाँ आईफोन 10 में कलर्स थोड़े से ज्यादा है, एक्सपोजर भी बहुत अच्छा है और बहुत वाइब्रेंट से कलर है। और वहीं अगर मैं बात करूँ अपने आईफोन 5S के बारे में, तो ऐसा लगता है कि VGA कैमरे से फोटो खींची हुई है। अब यार इसमें कोई शक की बात नहीं, 11,000 रुपये के हिसाब से अपना आईफोन 5S सबसे थर्ड क्लास ऑप्शन है। इससे तो मैं ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1 ले लूंगा, उसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी है इसके मुकाबले। और वहीं पे अपने आईफोन 6 का कैमरा बिल्कुल भी शार्प नहीं है, इसमें डिटेल नहीं आती बाकी सारे लेटेस्ट आईफोन के मुकाबले, तो ये भी एक बेकार ऑप्शन ही कहलाता है। अब मेरा ये वीडियो बनाने का पॉइंट ये है, मैं आप लोगों को बस ये समझाना चाहता हूँ कि 2018 आ चुका है, हम लोगों को पूरी बड़ी डिस्प्ले चाहिए 18:9 की एस्पेक्ट रेशो वाली, जो कि सच में एक मॉडर्न लुक देती है फोन की, और वो सिर्फ अभी आईफोन्स में आईफोन 10 ऑफर कर रहा है। तो यही मेरी आपको सलाह रहेगी कि प्लीज अपने पुराने आईफोन मत खरीदो, क्योंकि पूरा ट्रेंड बदल चुका है। आपको खुद दिख रहा होगा, आपको बड़ी डिस्प्ले दिख रही होंगी, पूरी H2S डिस्प्ले दिख रही होंगी। अगर आप ये पुराने आईफोन लोगे ना, तो सच में बिल्कुल पैसा वेस्ट वाली बात होगी। होप यार मेरा मैसेज आप लोगों तक ठीक से पहुंच गया हो, बस मैंने फैक्ट्स पे ही बात करी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके हमारी टेक गैंग को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी में लीड रखते हैं। अगले मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।